अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अल्ताफ सियाल और आप देख रहे हैं जनाब टीवी। तो जनाब, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, उसका दूसरा दिन जो है आज खत्म हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 480 रन बनाए और उसकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन उस्मान ख्वाजा, उन्होंने इंडिया के बॉलरों का खूब अच्छी तरह से बजाया है। जनाब बाजा 180 रन पे उस्मान ख्वाजा आउट हुए हैं और उसके बाद सेंचुरी स्कोर किया है कैमरून ग्रीन ने, जिन्होंने टोटल 114 रन बनाए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपनी पहली इनिंग्स में 480 रन बनाए हैं। अगर हम इंडिया की बॉलिंग की बात करें तो इंडिया की तरफ से आर अश्विन ने टोटल 6 विकेटें हासिल की हैं, रविंद्र जडेजा ने 1 विकेट हासिल किया है, 2 विकेटें मोहम्मद शमी ने हासिल की हैं और 1 विकेट अक्षर पटेल ने हासिल की है। इंडिया ने अपनी इनिंग स्टार्ट किया, 36 स्कोर पे इंडिया का कोई खिलाड़ी आउट नहीं है और कल इस चौथे टेस्ट मैच का तीसरा दिन शुरू होगा और इंडिया अपने 36 रन, जो इंडिया ने आज 36 स्कोर बनाए हैं, कल इंडिया 36 स्कोर से अपनी इनिंग स्टार्ट करेगा। शुभमन गिल और रोहित शर्मा जो है वो क्रीज पर मौजूद हैं। लग रहा है कि ये टेस्ट मैच जो है, मुझे ये लग रहा है कि ये टेस्ट मैच धीरे धीरे ड्रॉ की तरफ जा रहा है, बशर्त ये कि अगर इंडिया जो है वो जल्दी आउट नहीं होता। यानी कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों ने, खास तौर पे उस्मान ख्वाजा और कैमरून ग्रीन ने बहुत अच्छी बैटिंग किया, सेंचुरी स्कोर किया दोनों बैट्समैनों ने, अगर इंडिया के बैट्समैन भी इसी तरह से बैटिंग करेंगे और ऑस्ट्रेलियन स्पिनर्स खास तौर पे नेथन लाइन को भी ठीक तरह से खेलेंगे और फास्ट बॉलरों को भी ठीक तरह से टैकल करेंगे, तो ही इंडिया के जो बैट्समैन हैं वो 480 रन का जो हदफ है उसका पीछा कर सकेंगे। अगर इंडिया को ये टेस्ट मैच बचाना है, अगर इंडिया को इस टेस्ट मैच में बने रहना है, तो इंडिया को अपनी पहली इनिंग्स में स्कोर करने होंगे। अगर पहली इनिंग्स में इंडिया की टीम 480 स्कोर तक पहुंचने से पहले पहले ऑल आउट होती है, तो फिर ये टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर इंडिया जो है वो अच्छी बैटिंग कर लेती है और 480 प्लस स्कोर बना देती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने स्कोर बनाया उससे ज़्यादा स्कोर इंडिया बना देती है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि ये टेस्ट मैच, इस टेस्ट मैच का नतीजा भी निकल सकता है और ये टेस्ट मैच जो है ये ड्रॉ भी हो सकता है। ओवरऑल अगर देखें तो ये टेस्ट मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंडिया के बैट्समैनों के लिए ये एक इम्तिहान की कड़ी है। पहले ही इंडिया के बैट्समैनों पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। अगर उन्होंने अपने तनकीद करने वाले लोगों को जवाब देना है तो उनको अपने अपनी बैटिंग से उनको जवाब देना होगा। लेट्स होप, देखते हैं कि इंडिया किस तरह से कल दिन का आगाज करता है। शुरुआत के पहले 4-5 ओवर इंडिया के लिए थोड़े से मुश्किल होंगे, क्योंकि नया बॉल होगा, सीम स्विंग होगा और इस विकेट पे अभी तक 2 दिन का जो खेल हुआ है उसमें स्पिन बॉलर के लिए भी काफ़ी हेल्प मौजूद है। आपने देखा होगा कि आर अश्विन ने 6 विकेट लिए हैं ऑस्ट्रेलिया के। अब हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के भी, अब ये भी देखने को मिल सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलर भी इंडिया के बैट्समैनों को मुश्किल में डाल सकें। अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट के रिलेटेड अपडेट्स, न्यूज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। के साथ ही अपने होस्ट मोहम्मद अल्ताफ सियाल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।